यूपी के श्रावस्ती में इकौना तहसील के सामने ही चल रहा था मानक विहीन आवासीय मदरसा। 50 छात्राएं यहां मिली, सभी को सुरक्षित उनके अभिभावक को बुलाकर भेजा गया उनके घर। श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के पास चल रहा था अवैध मदरसा, पिछले कई सालों से था संचालित। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी इकौना ओम प्रकाश की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारी फूलचंद मौर्या, खंड विकास अधिकारी प्रतिनिधि महेश सोनी व इकौना पुलिस की मौजूदगी में यहां पर छापेमारी की गई। इस दौरान यहां पर लगभग 50 छात्राएं मिलीं जो अध्ययनरत थीं। आपको बता दें, यह नरकीय जीवन जीने को विवश थीं। आखिरकार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के सामने ही कैसे मानक विहीन मदरसा चलाया जा रहा था जो पिछले कई सालों से संचालित था। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इसके जिम्मेदार होते हैं, क्या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भी मिली भगत थी जिसके चलते यह गोरख धंधा पिछले कई सालों से संचालित हो रहा था। श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के सामने का यह पूरा मामला है जहां पर यह मदरसा जो आवासीय था, दिन रात यहां पर छात्राएं रहती थीं, भारी संख्या में यहां पर छात्राओं की मौजूदगी थी जबकि उनके रहने सहने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। जामिया कादरिया बरकतिया लिब बनात मदरसा यह बताया जा रहा है, जहां पर 74 बच्चों का नामांकन था और 60 बच्चे उपस्थित बताए गए, लेकिन जब टीम पहुंची तो यहां पर 50 बच्चे मिले जिनका नाम पता नोट करते हुए उन्हें उनके गार्जियन को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी इकौना ने आए हुए उनके अभिभावकों को निर्देशित किया कि उन्हें सुरक्षित अपने घर ले जाएं और सही स्थान पर उनकी शिक्षा दीक्षा कराएं। यह किचन है, इस किचन में लगभग 70 लोगों का 80 लोगों का खाना बनता था। किस प्रकार से यहां पर गंदगी व्याप्त है, एक छोटे छोटे कमरे में 10 से 15 छात्राओं को रखा जाता था। नरकीय जीवन जिसे आप कह सकते हैं, यहां 10 मिनट भी रुकना मुनासिब नहीं होगा। ऐसे में एक एक कमरे में 10-10, 15-15 संदूक मिले जिनमें बच्चों की मौजूदगी रहती थी। लाइट चले जाने के बाद यहाँ पर कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं था। अंधियाले भरे इस कमरे में किसी प्रकार से बच्चे अपना जीवन गुजार रहे थे। बताया जा रहा है 1,000 रुपये प्रतिमाह एक छात्रा से शुल्क भी लिया जाता था। यहाँ पर पति पत्नी व उनके बच्चे ही इस पूरे मदरसे को संचालित कर रहे थे। पिछले 4-5 साल से यह मदरसा यहाँ पर संचालित है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। जब उपजिलाधिकारी इकौना की नज़र पड़ी तो देवदूत बनकर पहुँचे और यहाँ से छात्राओं को मुक्त कराया, उनके घर तक भिजवाया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा या विद्यालय के संबंध में कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त होने के बाद आज सुबह से ये कार्रवाई की जा रही है। एक कस्बा इकौना में जामिया कादरिया बरकतिया ये मदरसा जो है गैर कानूनी रूप से चलाया जा रहा है, गैर मान्यता प्राप्त है। ये आवासीय मदरसा के रूप में यहाँ 60 बच्चे बताए गए जिसमें से 50 बच्चे मौके पर मौजूद मिले, कोई भी मान्यता नहीं होने के कारण इसमें भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो बच्चे मिले हैं इन्हें क्या निर्देश दिया गया और सुरक्षित इनके स्थान घर पर पहुंचाया गया? जी, बच्चों के गार्जियन से बात करके उन्हें बुलवा करके उनकी सुपुर्दगी में उन्हें सुरक्षित घर पहुँचवा दिया। ये मदरसा किस भाग से संचालित है सिमा जी? कि इसमें आता है, दायरे में आता है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या उनके देखरेख में चल रहा था क्या? अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम जी हैं, उनसे वार्ता हुई है हमारी, उन्हें हमने सूचित कर दिया है, कल भी हमने उन्हें बताया था, कल वो आए थे। अब इसके संबंध में उन्होंने क्या कार्रवाई की वो बता सकेंगे। नहीं है, नहीं, इसकी माँ नहीं है, अपने नानी के यहाँ रहती है, इसके मामू, इसके नाना ये लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोग कैसे, अब किसके सुपुर्द पे किया जाए, फोन किया गया है कि आए चलो किनारे करो आप लोग, अब किस और बताओ सब यहाँ हो गया सब।
ऊपर नहीं कोई यही मैं लगा दूंगा कि तुम बच्चों का जो कर रही है नहीं दूसरे गुस्सा चल रहा है कहाँ से जाने वाली है क्या सीखी हो तुमने इसे पहले कहीं नहीं पढ़ी थी यहाँ आवासीय का कोई आपके पास जब अनुमति नहीं है तो कैसे रखने इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों किसके कहने पर आई हो किसके करने पर आई क्यों आई गुस्सा चल रहा है कहाँ से जाने वाली है बलरामपुर एयरपोर्ट यहाँ क्यों आई पढ़ने क्या सीखी हो तुमने इसे पहले कहीं नहीं पढ़ी थी यहाँ आवासीय का कोई आपके पास जब अनुमति नहीं है तो कैसे रखने इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों अरे किसकी अनुमति से रख रहे हैं कौन लेडीज है सबको बुलाइए सबके सामने यह मदरसा चलाने वाले मोहम्मद हसन कादरी पुत्र हबीबुल्ला निवासी उदयपुर पोस्ट बदलपुर थाना महाराजगंज तराई तुलसीपुर बलरामपुर के निवासी निकले जिनकी पत्नी व अन्य लोगों के द्वारा यह मदरसा संचालित किया जा रहा था और यहां पर यह मदरसा पूरी तरह से मानक विहीन पाया गया। यहां पर 60-60 बच्चों को कैसे रखा गया यह सोचने वाली बात है। अगर आप इस कमरे तक पहुंचेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को शिक्षा के लिए छोड़ा था उनका भविष्य ऐसे में कैसे गुजरेगा। साथ ही यहां पर भीषण गंदगी व्याप्त थी, अंधेरे कमरों में बच्चों को रखा जाता था। जब उपजिलाधिकारी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में आज वो स्वयं मौके पर पहुंचे। इस दौरान इकोना पुलिस ABSA तथा खंड विकास अधिकारी के प्रतिनिधि महेश सोनी इस छापेमारी टीम में मौजूद रहे जिनकी मौजूदगी में यहां से बालिकाओं को निकालकर उनके घर सुरक्षित पहुंचाया गया। वहाँ कहाँ चलते हैं यही इसी में कहाँ से हम नहीं गए लेडीज सब लड़कियाँ हैं ना लेडीज
नाम और तुम्हारे गाँव का